हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको लगभग 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी जगह पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आंसर है बोध गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? आंसर अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे ईस्ट में है, इसलिए वहाँ पे सबसे पहले सूर्य उदय होता है। इसके बाद नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक किसे कहते हैं, या फिर आर्य समाज का संस्थापक किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो आंसर है शुगर या फिर मधुमेह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है भूमि यानी लैंड में? वो है कन्याकुमारी। और अगर यह पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बीहू या फिर बीहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका आंसर होगा असम या फिर असम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो वो है विटामिन सी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस चीज़ में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा आंवला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलंथस एम्ब्लिका किसका वैज्ञानिक नाम है? वो है आंवला यानी गूजबेरी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर यानी कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो उसका आंसर होगा चीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर विटामिन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? फ्रेंड्स, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किस अंग से सांस लेती है? तो इसका आंसर होगा गलफड़े से। इसके बाद टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर जॉन लूगी बियर्ड ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपका आंसर होगा चार्ल्स बैबेज ने। फ्रेंड्स, अगर आपसे यह पूछा जाए कि मॉडर्न टीवी का आविष्कार किसने किया था या फिर मॉडर्न टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो आपका आंसर होगा फिलो टेलर। फ्रेंड्स, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो आपका आंसर होगा जॉन लूगी बियर्ड, जो कि स्कॉटलैंड के थे। इसके बाद अगर आपसे यह पूछा जाए मॉडर्न कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो आपका आंसर होगा एलिन ट्यूनिंग। फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम जानेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन, माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर या फिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो आपका आंसर होगा दिलवाड़ा मंदिर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार और
अजात शत्रु किस वंश के हैं या फिर थे? तो आपका आंसर होगा हर्यक वंश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर होगा 382 ईसा पूर्व में महापद्म नंदा ने, या फिर महापद्म नंदा ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? तो आपका आंसर होगा हाइडेस पास के युद्ध में। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, या फिर अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका आंसर होगा कौटिल्य, इन्हीं का नाम चाणक्य भी है। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी? तो आपका आंसर होगा मेगस्थनीज। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक या फिर अंतिम राजा कौन था? तो आपका आंसर होगा बृहद्रथ, या फिर वृहद्रथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो आपका आंसर होगा कश्मीर। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में 4 परिषद हुई थी और जैन धर्म में 2 परिषद हुई थी, या फिर 2 काउंसिल हुई थी। परिषद को काउंसिल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, या फिर किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त। और आपसे अगर यह पूछा जाए कि हिंदू नेपोलियन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री या फिर तीर्थ यात्री आया था? तो आपका आंसर होगा फा हैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर चंद्रगुप्त सेकंड। इसके बाद फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।